आपका आप यहाँ पर आए हो, ठीक है, पहले तो ये बता दो यहीं पढ़ते हो क्या? हाँ, कॉलेज में पढ़ते हैं। डीएन कॉलेज में जी। तो आपने आपको कैसे पता चला नवीन भाई के बारे में? वीडियो देखी जी हमने। वीडियो देखी। हाँ जी। नवीन अभी यहाँ पर पूछे हो आप? हरपाल भाई है जी। हाँ। इन्होंने जी प्रचार किया जी, फेसबुक पर पोस्ट डाली तो सभी को पता चला जी। हाँ जी, कल सभी को सूचित किया जी, एचओ के सामने इकट्ठे हो, नवीन भाई के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो उन पे जो बोल रखा बोल जा रहा है, जो अब नया केस जो है स्टार्ट हुआ है उसके अंदर जो गए हुए हैं, वो जो पहले वाले दो तीन केस है वो जो स्टार्ट करके है, अब वो दोबारा से जेल में डाले गए, इस बात का पता है? इस बात का पता नहीं। वैसे आप पूरे के पूरे जो युवा संगठन है साथ हो पूरे पूरे एक बार रुका मेर के कहते वो साथ हो कौन? बिल्कुल आ गए भाई, वो दिक्कत देखो नहीं किसी प्रकार की भाई जमा भाई का। चलो भाई देख सको तो हमें सारे के सारे पूरा युवा संगठन जो है पूरा साथ है, पीछे की तरफ भी देख सको हो, यहाँ पर कुछ भाई आए हुए हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो आप यहाँ पर आए हुए, पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी आपकी, तो जो आप पर रोज प्रदर्शन करोगे कहाँ से लेकर कहाँ तक करोगे? युवा गेट नंबर 4 है जी, यहाँ से कोर्ट तक जाएंगे। हाँ जी, और DC के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन पहुंचाना चाहेंगे हम। अच्छा। हाँ जी, तो वे ज्ञापन पहुंचाओगे? हाँ जी। तो वहाँ पर किस प्रकार से अगर आप एंट्री नहीं होनी थी तो वहाँ पे नहीं एंट्री क्यों नहीं होने देंगे जी, वहाँ अधिकारी कोई तो आएगा। हाँ, कोई ना कोई अधिकारी तो वहाँ आएगा लेने। जिस प्रकार से हम बोलते हैं जो अधिकारी है, जैसे बहानेबाजी कर लेते हैं यहाँ पर तो नहीं है नहीं है, फिर क्या करोगे आप? नहीं कुछ ना कुछ तो फिर आगे जो हमारे सीनियर साथी उनसे पूछ के जो आगे का हमारा जो निर्णय होगा वहाँ लेंगे फिर। आज नहीं कामना तो कल प्रदर्शन करो? हाँ जी, प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे आगे हम। अगर अभी रिहाई अगर नवीन जैन की नहीं हुई है एक दो दिन में तो हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। तो आपको क्या लगता है नवीन जो जैन है उसकी रिहाई हो उसकेगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? एक बात हो, जब युवाओं का साथ मिलता है तो क्यों नहीं होगी, और वो अपने जगह पे सही है भाई, और ऐसा कोई उन्होंने ऐसा कांड नहीं कर रखा कि उनको रिहाई ना मिले। अब एक बात बताओ ना, ये सरकार हमेशा से एक चीज करती आई है, जो भी समाज सेवी है उसको उठा के या तो ऐसा खत्म कर दो दोबारा पनपे ही ना। वही काम इन्होंने जैन के साथ करा, जो प्रेजेंट का केस था उसमें तो इनको रिहाई मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है, अब पुराने केस खोलने का क्या मैटर है, और वो भी केस जो बेबुनियाद है। तो जो पुराना केस था सॉल्व हो चुका था पहले? बिल्कुल, 5 साल से उसकी कोई वो था ही नहीं, कहीं उसका सबूत ही नहीं था। 5 साल पहले कोई साल वाली फाइल दोबारा खोली गई है। 5 साल पहले कावड़ का केस था, वो कावड़ लेने गए थे, वो भी नशा को दूर करने के लिए जो एक सूचना यहाँ पे लोगों को देने के लिए गए हुए थे, अब उस चीज को इन्होंने बखेड़ा बना दिया कि वो केस 5 साल पहले लगा था। अभी पुराने पेज खोलेंगे तो ये ना एक बहाने के साथ ही किसी को अंदर किया जा सकता है। अभी जो करंट का बहाना था वो तो इनका खत्म हो गया, अब जो पुराने बहाने रेडी कर रही है मतलब इसको फंसाने के लिए। तो सर आपको क्या लगता है भाई कितने दिनों तक रोज प्रदर्शन हो सकता है यहाँ पे? लगातार रोज प्रदर्शन करते रहेंगे सर, जब तक उनको बाहर नहीं निकालोगे तो रोज प्रदर्शन। हाँ जी, हाँ, फिर आगे हम सीएम हाउस का घेराव और चंडीगढ़ घेराव करेंगे अगर नवीन जैन की रिहाई नहीं हुई तो। हाँ जी, लगातार प्रदर्शन जारी रहेंगे। नवीन जैन ऐसे हैं, आपने पूरे हरियाणा के लोगों की आवाज उठाई है और सरकार उस आवाज को दबाना चाहती है, हम दबाने नहीं देंगे। तो आपको लगता है वहाँ पर घिराव करने से उनको इंसाफ मिल सके? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सर, सरकार पर दबाव तो पड़ेगा। तो जू रहेंगे ना सर, जब तक कोई युवा साथी साथ खड़े हैं तो कानों पर उनके जू तो रहेंगे ना, किसी को तो सुनेगा बहरे, सरकार को सुनाने के लिए हमेशा प्रोपेगंडे यही अपनाए जाते हैं, सुनाना तो पड़ेगा ना उनको। आज एक बार आगे नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आपको क्या लगता है जी यहाँ पर जो नवीन नवीन भाई के साथ जो आप आए हो उसके रोष प्रदर्शन के लिए, उसके पक्ष में आए हो आप? उसके पक्ष में आए हो तो आपको क्या लगता है नवीन भाई को रिहाई मिल सकेगी? हाँ जरूर मिलेगी रिहाई, नहीं तो सरकार के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे हम। अच्छा, सभी बेरोजगारी हुआ। अच्छा तो भाई देख सको तुम सारा के सारा पीछे के पीछे देख सकते हो, पूरे का पूरा जो है रोज प्रदर्शन किया जा रहा है नवीन भाई के पक्ष में, उनको न्याय दिलाना चाहिए क्योंकि वो जो पहले वाला जो केस है वो केस क्या था, वो केस ये था कि वहाँ पर नशा छुड़वाने के लिए जो कावड़ लेने गए थे उन पर दोबारा से केस ठोक दिया गया पिछली फाइल वाला, और अब दोबारा से उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है, जिससे कि उनकी रिहाई के लिए सारे के सारे युवा लोग, युवा जो स्टूडेंट है यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। तो आप पीछे की तरफ देख सको, मैं भी जय हिंद का मतलब ये है कि पूरे के पूरे जो लोग हैं यहाँ पर जय हिंद मतलब आप जो यहाँ पर आओगे तो नवीन भाई के बारे में जानोगे कि उन्होंने क्या लोगों के लिए किया था, उनकी अच्छाई क्या है, उनकी सच्चाई क्या है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हरियाणा, जय हरियाणा।